दोस्तों यह बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। आम का समय था और बागीचे में बहुत सारे आम लूद कर फरे हुए थे। चंदन का तो खुद का बागीचा था। चंदन काफी खुश था क्योंकि हर साल वह आम बेचकर लाखों रुपया कमाता था। इसलिए चंदन खुश था कि उसके बागीचे में इस साल काफी आम लगे हुए हैं। चंदन ने बागीचे में एक आराम से मचान बनाया और सुबह शाम दोपहर अपने आम की रखवाली करने लगा। चंदन आम की रखवाली किया करता और बागीचे में सुबह शाम दोपहर जाया करता था। एक दिन चंदन क्या देखता है, सुबह सुबह जब चंदन गया बागीचे में तो काफी सारे आम टूटे हुए हैं और काफी डाल भी टूटी पड़ी है और नीचे जमीन पर आम बिखरे पड़े हैं, पर आम ले जाने वाला वहां कोई नहीं था। चंदन को काफी गुस्सा आया। आखिर कोई अगर तोड़ता आम ले जाता तो उतना गुस्सा नहीं आता चंदन को, लेकिन इस बार काफी गुस्सा आया था क्योंकि आम की डाल भी तोड़ रखी थी और आम भी जमीन पर बिखरे पड़े हुए थे। चंदन ने सोचा, आज से मैं रात में इस आम के बागीचे की रखवाली किया करूंगा और देखूंगा कि मेरा आम कौन तोड़कर ले जाता है। इसीलिए चंदन रात में आराम से 10 बजे के करीब खाना खाने के बाद एक हाथ में डंडा और एक टॉर्च लेकर अपने बागीचे में पहुंच गया। मचान पर बैठकर चंदन आराम से इंतजार करने लगा चोर का। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद उसे नींद आने लगी तो चंदन वहां पर सो गया। सोने के कुछ देर बाद ही पायल की छनछन की आवाज उसके कानों में पड़ी। चंदन की आंखें खुल गई, वह चौकन्ना हो गया। सोचने लगा कि शायद कोई चोर आज उसके हत्थे चढ़ने वाला है, इसीलिए वह एक हाथ में टॉर्च और एक हाथ में डंडा पकड़कर तैयार हो गया। कुछ दूरी पर उसे एक परछाई दिखाई दी जो एकदम एक पेड़ के पास खड़ी थी। चंदन उसके अंदर आने का इंतजार करने लगा, लेकिन एकाएक वह परछाई वहां से गायब हो गई। चंदन अपने आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। चंदन सोए सोए और गौर से देखने लगा। थोड़ी ही देर में उसके बिल्कुल मचान के करीब एक छोटा सा बच्चा उसे दिखाई पड़ा। चंदन अब काफी घबरा गया और भयभीत हो गया। उसे चिड़चिड़ी सी बदबू उसके नथुनों को फाड़ रही थी। वह काफी गंदी बदबू थी, किसी के जल जाने की बदबू थी। ऐसा रहा था, लग रहा था कि कोई मुर्दा आसपास कहीं जलाया जा रहा हो। चंदन को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अब चंदन के पूरे शरीर में झुंझलाहट पैदा हो गई। डर के मारे चंदन कांप रहा था। एकाएक तभी एक पेड़ की डाली जोर से हिली। चंदन काफी घबरा गया क्योंकि ना तो वहां आंधी आई थी ना तूफान, और डाली इतनी जोर से हिली थी कि लग रहा था कि चंदन के ऊपर ही गिर जाएगी। चंदन काफी डर गया, भयभीत सा हो गया। वह इंतजार करने लगा कि हे भगवान, मुझे कोई बचा ले, पर दूर दूर तक कोई नहीं। गुप सन्नाटा, हवाएं जोर जोर से चलने लगी। अब कुछ आवाजें भी कानों में सुनाई पड़ने लगी चंदन के। किसी की रोने की आवाज, खिलखिलाकर हंसने की आवाज डरावनी होती चली गई। चंदन घबरा कर काफी भयभीत होकर इधर उधर देखने लगा ताकि कोई उसे बचा ले, पर बागीचे में दूर दूर तक कोई नहीं था क्योंकि बागीचा गांव से काफी दूर था। अब चंदन को घबराहट होने लगी। उसे लगा कि आज उसके प्राण उसके हाथ में नहीं रहेंगे। इसीलिए डर के मारे चंदन सोच रहा था कि मैं कैसे भी उठूं और यहां से भाग जाऊं, पर चंदन हिम्मत कर सोया रहा। थोड़ी देर में ही एक साया उसके बगल से होते हुए एक पेड़ में सरसरा कर समा गई। चंदन डर के मारे आंखें पीच ली। आंखें मीचने के बाद चंदन भगवान का नाम लेने लगा और इंतजार करने लगा कि हे भगवान, सुबह हो जाए और मेरी जान बच जाए, मैं तुम्हें सुबह प्रसाद चढ़ाऊंगा। जैसी ही सुबह हुई, चंदन मचान से कूदकर सीधे घर की तरफ सरपट भागा। घर पहुंचकर चंदन कांपने लगा, उसे बुखार आ गया। चंदन ने सारी बात अपने घर वालों को बताई। घर वालों ने उसे हिदायत दी कि तुम बागीचे में अब मत जाया करना। लोग उस बागीचे का नाम ही भूत बागीचा रख दिया। तब से अब दिन में भी लोग वहां जाने से डरते हैं। इसलिए चंदन को कुछ फायदा भी हो गया कि अब बागीचे में आम कोई नहीं तोड़ता है और आराम से चंदन किसी दिन जाकर आम तोड़कर ले आता है। हाँ, बागीचे में अब भी कुछ विचित्र घटनाएं घटती है। कभी कभी कई सारे पेड़ के आम टूटे पड़े मिलते हैं, पर चंदन को अब उस चीज से भय नहीं है कि कोई चोर उसका आम तोड़ लेगा।
चंदन को पता है कि अब आम कौन तोड़ता है, इसीलिए चंदन अब उतनी चिंता नहीं करता आम की टूट जाने की। चंदन को चिंता है तो अब बस उस बागीचे में जाने की। कहानी कैसी लगी आप जरूर कमेंट करिए, जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए ऐसी बेहतरीन कहानी आपको लेकर आते हैं, आपको सुनाते हैं। हम बहुत जल्दी एक गिफ्ट की घोषणा करेंगे, जिसकी लिए आप थोड़ा सा इंतजार करें, हमारे चैनल पर इसकी घोषणा कर दी जाएगी बहुत जल्द। तब तक हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। थैंक्स।